नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो जो है मैथ्स से है, और ये क्वेश्चन जो है सीटेट द्वारा 2011 में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन जो है पेपर 2 से है, सीटेट के मैथ के पेपर 2 से है, जिसको जो है सीटेट जो है 2011 में पूछा है। तो ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 में बोला गया है कि 57.12% की तुल्य भिन्न है लगभग, मतलब कि इसके बराबर जो है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसके लिए जो है यहाँ देखिए, यहाँ आप लिखते हैं 57.12%। अब यहाँ देखिए, जब इस परसेंट को हटाएंगे तो नीचे में आएगा 100, यहाँ देखिए इसके नीचे में 100 आएगा, तो यहाँ आप लिखेंगे 57.12/100। और जब इस दशमलव को हटाएंगे तो नीचे में आएगा फिर से 100, मतलब यहाँ लिखेंगे गुने 100। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ आप लिखेंगे 5712 को जो है जब 200 भाग देंगे तो आएगा, यहाँ देखिए 2 2 4, 2 8 16, 2 5 10, 2 6 12, और नीचे में जब 100 में 200 भाग देंगे तो आएगा 50। इसी तरह से जो है फिर से इसमें जो है 200 भाग देंगे 2856 में तो यह आएगा 2 1 2, 2 4 8, 2 2 4, 2 6 16, और इसको जब 2 से भाग देंगे तो आएगा 25। इसी तरह से जो है जब फिर से इसमें 2 से भाग देंगे तो आएगा ये 2 7 14, 2 1 2, 2 6 8, और ये आएगा 50। और जब फिर से जो है इसमें भाग देंगे 2 से तो आएगा ये 357, और ये आएगा 25। तो फाइनली जो है यहाँ देखिए, यहाँ पर आएगा 357/625। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये ऑप्शन 2 जो है सही होगा।